हुडकेश्वर पुलिस थाना हद में बीती रात गाड़ी को कट लगने जैसी छोटी सी बात को लेकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हुडकेश्वर पुराना नाका स्थित कैनरा बैंक के पास यह घटना हुई है। इस घटना में मृतक जितेंद्र विकास चोपड़े की घटना स्थल पर ही मृत्यु हुई है। पुलिस ने मामले की जांच कर महज ही एक घंटे में आरोपी विजय उग्रेजा और रवि उग्रेजा को गिरफ्तार किया है। शहर के हुडकेश्वर नाका परिसर में शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे के दौरान चाकू से हमला कर 3 युवकों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। घटना हुडकेश्वर रोड पर स्थित कैनरा बैंक के पास की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत सावर बांधे लेआउट निवासी जीतू चोपड़े हुडकेश्वर नाका परिसर गया था। इस दौरान उनके पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी विजय उग्रेजा और रवि उग्रेजा की बाइक हुडकेश्वर रोड कैनरा बैंक के समीप कट लग गई। मामूली बात को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि विजय, रवि और अन्य नाबालिग ने मिलकर जीतू को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सड़क किनारे ठेले पर चिप्स की दुकान लगाते हैं, वह अपने घर जा रहे थे, जबकि जीतू एक फाइबर की दुकान में काम करता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामूली बात को लेकर हुए विवाद में हत्या की घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। इस संबंध में हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक चित्रंजन चांदूरी ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी, वह मौके पर अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे और घटना में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ने का जाल बिछाया और कुछ ही घंटों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल एक चाकू बरामद किया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग का समावेश है। कट मारण्यासारख्या अतिशय क्षुल्लक अशा घटनेतून हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत हुडकेश्वरचा जुना नाका कॅनरा बँकेच्या समोर काल खून करण्यासारखी एक गंभीर घटना घडलेली आहे। या घटनेमध्ये मयत जितेंद्र विकास चोपडे आणि प्रकाश राजेश तिवारी हे धाब्यावर जेवण करून परत येत असताना त्यांना यातील आरोपी विजय उग्रेच्या याच्या गाडीचा कट त्यांना लागला आणि दोघांमध्ये कट लागल्यामुळं शिवी गाडी आणि वादाचं पर्यायवसान म्हणून विजय उग्रेच्या याने त्याच्या किचनमध्ये जो असलेला चाकू होता त्या चाकूने एक वार जितेंद्र विकास चोपडे याच्या छातीवर केला आणि तो वार नेमका त्याच्या हृदयावर लागल्यामुळे एकाच वारमध्ये येथील जितेंद्र विकास चोपडे याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालेला आहे। सदर घटनेमुळं हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी जितेंद्र विकास चोपडे याचा खून केल्यामुळे विजय उग्रेचा आणि त्याला सहाय्य करण्यासाठी आलेले त्याचे 2 भाऊ रोहित व रवी उग्रेचा या तिघांवर IPC 302, 324 आणि 34 प्रमाणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्याच्यातील आरोपी जे आहेत ते त्यांच्यावर पहिलाच गुन्हा आहे आणि मृतकावरील गुन्ह्याचा रेकॉर्ड बघणं चालू आहे। किराणा जो माल असतो त्याची विक्रीचा एक जण व्यवसाय करायचा, दुसरा एक आरोपी जो विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे तो एका धाब्यावर वेटर म्हणून काम करायचा, त्याशिवाय जे मयत होते ते त्यांच्या भावाच्याच कारखान्यामध्ये फॅक्टरीमध्ये काम करायचे आणि दुसरे जे फिर्यादी आहे त्याच्यातील ते ओला गाडीचे चालक आहे। हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनचे बीट मार्शल अतुल भरतागडे हे घटनास्थळी तात्काळ पोहोचले होते आणि जागेवरच रोहित अतुल भरतागडे यांनी जागेवरच रोहित उग्रेच्या याला ताब्यात घेतलं आणि DBC टीमने हा गुन्हा तील आरोपी जे आहेत ते 1 तासाच्या आतमध्ये तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यामध्ये हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनला यश मिळालेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज नागपूर।